सैमी, हमें इस हड्डी को हटाना पड़ेगा क्योंकि दी और करण सर के बस की बात तो है नहीं। हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम उस हड्डी को हटा सकते हैं। कैसे? देखो सैमी, मैंने जिंदगी में बहुतों के मुंह और तांगे तोड़ी हैं। चलो आज हम दोनों मिलकर ये शादी तोड़ते हैं। हाँ बुआ, आया मैं। अरे सैमी एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो। ये तो बता दो, ये तो बता दो कि तुम शादी तोड़ने में मेरी मदद करोगे या नहीं। अरे सैमी पट्टू, अरे किधर, अरे यार भगवान जी, मैंने सही सोचा ना? ये लड़की ना मुझे मरवाएगी, इसके ना इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। ये शादी टूटे ना टूटे मैं घर से जरूर निकलूंगा। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सोच रही हो ना कि धरती फट क्यों नहीं गई, तुम उसमें समा क्यों नहीं गई? मैंने क्या गलत कहा? सच्ची तो कहा। तुम अपने पति की शादी अटेंड करने आई हो या फिर ये कहो अपनी सौतन की शादी अटेंड करने आई हो या फिर अपने पति को किसी और औरत का होते हुए देखने आई हो, है ना? लेकिन प्रीता एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी माँ, वो सोसाइटी, तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, समाज, समाज को बहुत मानते हो ना? और तुम्हारे वो ही समाज के सामने, अरे समाज मतलब वो तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा, दूध वाला, पेपर वाला, पड़ोसी, उन सब के सामने तुम्हारी और करण की शादी हुई थी, याद है? कितना बड़ा ड्रामा हुआ था जब करण सहरे से बाहर आया था और उसे आके कहा था कि पिता रोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाय, वो भी क्या दिन थे, क्या प्यार था दी करण लूथरा और प्रीता अरोरा के बीच। लेकिन अब जब वो ही समाज को पता चलेगा कि करण लूथरा ने दूसरी शादी, ऑफ कोर्स पता चलेगा ना, टीवी तो देखते ही होंगे ना, अच्छा न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़के से तुमने शादी की थी अब वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर रहा है, तो वो लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे, कितने सवाल करेंगे। एक्चुअली तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी वो बूढ़ी दादी, उसे तो कितने सवाल करेंगे। अब तुम्हारी बीजी की तो उम्र हो ही गई ना, जिस उम्र में उनके कान में भगवान का नाम पढ़ना चाहिए, लोग उनके कान में आके ताने मार के जाएंगे। प्रीता, ये सोच के मुझे टेंशन हो रही कि कहीं वो ताने सुन के, हो सकता है ना उनकी उम्र हो गई है। देखो तुम और तुम्हारी फैमिली ये शादी को बर्दाश्त तो नहीं कर पाओगे और ना ही ये ठोकर जो लूथरा से तुम्हें मारी है माहिरा को बहू बना के उससे खड़े हो पाओगे। तो मेरी सहानुभूति तुम लोगों के साथ है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही समाज को पता चलेगा कि तुम अपने पति की दूसरी शादी में गई थी तो लोग क्या कहेंगे, कितने सवाल करेंगे। सही कहो ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम इस शादी में क्यों आई हो। But it's gonna be fun. करण और माहिरा की शादी, हर एक रस्म, हर एक कदम पर, हर एक फेरे में तुम्हारे दिल में जो आग लगेगी ना, उस आग से मेरे दिल में ठंडक पहुंचेगी। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। वैसे करण की पत्नी तो तुम उस दिन भी नहीं थी जिस दिन तुम्हारी और करण की शादी हुई थी, लेकिन करण ने तुम्हें उस दिन भी नहीं छोड़ा। ऑफिशियली तो तुम आज भी उसकी बीवी हो, लेकिन आज करण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। माहिरा से शादी करके उसके बाद तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? आई नो, करण की छोड़ी हुई बीवी। लेकिन सच कहूं ना, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सोच के कि लोग तुम्हें और तुम्हारी माँ को कितने ताने मारेंगे, लेकिन एक बात कहूं, मजा भी बहुत आ रहा है। जैसे ही करण और माहिरा की शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व लूथरा परिवार से, करण की जिंदगी से और उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यहां पर खड़ी हूं और ये मुर्दा,
आई मीन टू से कोमा वाले महेश लूथरा को देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि पापा जी कोमा से बाहर आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे? जो इंसान खुद की मदद नहीं कर पाया वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? यू मिस्टेकन। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद तुम घर जाओ और अपने प्यार और अपनी आत्मा को शांति दो। ऐसे बोला, रेस्ट इन पीस करण लूथरा का प्यार। चलो ना, अरे बाहर चलते हैं। शादी अटेंड करने आई हो, मरने से पहले थोड़ा जी लो और ये शादी अटेंड कर लो। चलो, करण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो प्रीता का करण। करण, प्रीता को भूल जा, उसके बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी शादी पे ध्यान दे। Come on दादी, आप सब लोग जानते हैं ना कि प्रीता के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, राइट? प्रीता होगी तभी ये शादी होगी। करीना, जा प्रीता को बुला ला, अंदर बैठिए। शैलिन को भेजा है। रमोना जी, जब तक ये शादी नहीं हो जाती आप बिल्कुल भी रिलैक्स मत होइए। वो क्या है ना कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। माहिरा की बात मत सुनिए, मैं जानती हूँ ये जो प्रीता है ना, हम सब के लिए अशुभ है। अब अगर वो यहाँ पर आई है तो जरूर कुछ तो होगा। संजना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि करण ने प्रीता को यहाँ पर क्यों बुलाया है। I just don't understand. पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, totally helpless. समीर भाई, मुझे नहीं लगता कि प्रीता ने शादी में आके अच्छा किया। क्या मिलेगा बेचारी को? बेइज्जती, वही सब जली कटी बातें, अपमान, उसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बात एकदम सही है कृतिका, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन इसमें हम क्या करें? करण भाई ने प्रीता को खुद इनवाइट किया, प्रीता का ना यहाँ बनता था, लेकिन उसकी जो बहन है ना उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो पता, सृष्टि ने एक नंबर की मुसीबत है, खुद तो फंसे के साथ में मुझे भी फंसाएगी। क्या किया उसने? अरे तुम पूछो मत यार, मैं क्या बताऊँ तुमको यार। नहीं, ऐसे सैमी के पास जाऊंगी तो कोई मुझे देख लेगा, फिर कुछ करना भी होगा तो नहीं कर पाऊंगी। सैमी को ही अपने पास बुला लेती हूँ, बस ये एक बार मेरी तरफ देख ले। जैसे ही करण और मायरा की शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व
लूथरा परिवार से, करण की जिंदगी से और उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Oh God, ये कहीं वो तो नहीं करने जा रही जो मैं सोच रही हूँ। Yes, दी, come on, आगे बढ़ो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप क्या करने की सोच रहे हो? सोचो मत दी, सोचो मत, कर डालो प्लीज। अभी आपके दिमाग में जो फितूर है ना, उसकी आग को और भड़काओ। दिल में जो दर्द है उसे ऐसे ही मत जाने दो। जिसके लिए कदम उठे हैं उठाओ, मूव दी। शादी रोकना चाहते हो ना तो आगे बढ़ो, रोक दो ये शादी। इस जंगली बिल्ली पार्ट टू को मंडप से उठा के फेंक दो, शादी रोक दो दी। कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कहीं मैंने पिता को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? इसके सोए अरमान तो नहीं भड़का दिए? जो बात इसके दिमाग में नहीं थी, कहीं मैंने वो बात इसके दिमाग में तो नहीं डाल दी? कहीं ये शादी रोक कर ये तो क्लेम नहीं करते कि ये करण की बीवी है? बैठिए आप यहाँ, ठीक है, वो चाहिए था। आप ठीक तो हो ना? आप मैं ठीक नहीं लग रहे। की गल है, की माने ची चल रहा है, बताओ ना। रीता उस घर में गई है जानकी, उस लूथरा हाउस में। कितनी बार मना किया मैंने, फिर भी उस घर में गई। उस घर में एक दो इंसानों को छोड़कर सब लोग उसकी बेइज्जती करते, हर बार धक्के देकर उसे घर से बाहर फेंक देते। मेरी बेटी के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है कि वो कभी समझ नहीं पाएंगे करण और मायरा की शादी। और आज प्रीता क्यों गई है उस घर में? वो ये साबित करने गई है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करण मायरा से शादी करे। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि करण की जिंदगी में क्या चल रहा है, करण क्या करता है क्या नहीं करता। प्रीता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है प्रीता को, फर्क पड़ता है। वो सामने से कितना भी मुस्कुराती रहे, हमें जताती रहे कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूं उसे फर्क पड़ता है। देखिए, मैंने उसकी आंखों में वो उदासी जब उसकी शादी पृथ्वी से हो रही थी, एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन जब पृथ्वी की जगह करण था, उसकी आंखों में चमक देखी है मैंने। वो खुद नहीं जानती कि उसका रिश्ता क्या है करण के साथ, लेकिन मैं उसकी माँ हूं। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ तो है। वो उसे अपना सबसे प्यारा दोस्त समझती है, सबसे पक्का दोस्ती का रिश्ता समझती है वो उन दोनों के बीच। लेकिन आपको भी लगता है कि प्रीता करण से प्यार, करण की शादी हो रही है और आज ही हो रही है, अगर ऐसा है कि वो उसे प्यार करती है? मैं नहीं जानती कि उन दोनों के भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है। मैं सचमुच नहीं जानती उन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो क्या है। मैं नहीं जानती कि दोनों किस डोर में बंधे हुए हैं।
मैं नहीं जानती कि भगवान ने उन दोनों की कुंडलियों में साथ लिखा है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी है ना, वो दोस्ती से ज्यादा है, लेकिन चाहत से थोड़ा सा कम। वो दोनों नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि करण ने अगर प्रीता को अपनी शादी का न्योता दिया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि करण मेरी बेटी की बर्दाश्त की हद देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि प्रीता कितना बर्दाश्त कर सकती है, पहले इतना दुख दे चुका है उसे और कितना देखेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रीता में बहुत बर्दाश्त है, इसीलिए डर रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रीता की बर्दाश्त आज खत्म हो जाए, कि प्रीता आज वो कर दे जो उसने कभी सोचा भी नहीं। कहीं प्रीता कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रीता शायद कुछ कहना चाहती है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती पंडित जी। वो क्या है ना कि दूर से ठीक से नजर नहीं आ रहा था तुम्हारी शादी, तो सोचा कि पास आकर देखती हूँ, यहाँ से देखूंगी तो अच्छे से दिखेगा। तुम और तुम्हारी शादी, जोर जोर से मत बोली पंडित जी। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। और जोर से हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। पिताजी ऊपर से तो नॉर्मल दिख रही हैं, पर मुझे पता है कि वो अंदर से बहुत उदास है। राखी जी, वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। जी पंडित जी। क्या हुआ भाभी? करीना दी, लगता है मैं गठबंधन की चुनरी लाना भूल गई। मैं अभी मंगवाती हूँ। समीर जी, चाची पुत्र करीना दी के कमरे से गठबंधन की चुनरी लाना। जी मैं ले आता। क्या पुत्र, गठबंधन की चुनरी बहुत खास होती है और तू वही भूल गई। मम्मी जी, दरअसल शादी के इतने काम थे, मैं भूल गई। सामी ला देगा अभी। राखी जी, शादी के विधि को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं होगा शादी की विधि आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ तो रोक दीजिए शादी। मम्मी हाँ, थोड़ी देर के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। अरे तू कहाँ जा रहा है? इस तरह से दूल्हे का बार बार उठना अपशगुन होता है। कहीं नहीं जा रहा दादी, बैठे बैठे थक गया था इसके खड़ा हो गया। दादी मैं माहिरा को कमरे में ले जाऊँ, उसकी नट बार बार गिर रही है। ठीक जी, चलो। ऋषभ कहाँ जा रहे हो बेटा? वो एक्चुअली कुछ काम था तो वो। हमारे साथ आओ, इधर बैठो। आओ तो ऋषभ बेटा, यहाँ आओ। अरे बैठो, थोड़ा हमारे साथ भी बैठ लिया करो। आता हूँ, बैठो बैठो। ऐसी बात,
करीना, राखी जी, ऋषभ, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऋषभ जैसा दामाद मिला। वैसे ऋषभ भी बहुत लकी है कि उसे शर्लिन जैसी वाइफ मिली। संजना इज राइट, तुम्हारे जैसा बेटा, दामाद, पति, भाई, तुम पे इतने गुण हैं। अपने छोटे भाई को भी अपने पूरे गुण दे दो ना। इतना भी बुरा नहीं है आंटी करण, उसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं, शायद मुझ में नहीं। कैसी बात कर रहे हो ऋषभ, तुम्हारी जैसी खूबियां तो शायद ही किसी लड़के में होंगी। नो, आज के जमाने में इतने अच्छे संस्कार, इतनी मर्यादा, अनबिलीवेबल। ऐसी बात नहीं, करण में जो खूबियां हैं वो मुझ में नहीं है। उसमें अपने दिल की सुनने की हिम्मत है। मुझ में नहीं, अगर होती तो शायद मैं शादी नहीं करता।